ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है, क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का, मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन खोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल फिर से हूँ आपके सामने इस संडे को। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केडी कैंपस मॉक टेस्ट नंबर 183। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा दोस्तों। कई लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें इंग्लिश का भी सोल्यूशन चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि सर इसको कंटिन्यू कीजिए, कुछ लोगों ने कहा सर रीजनिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, कुछ कुछ ने कहा कि इंग्लिश के सेक्शन कर दीजिए, कुछ ने कहा कि पूरा क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों फरमाइशें काफ़ी हैं आप लोगों की। मैं समझ सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती, और ये अच्छी बात है एक तरह से। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि हर काम को करने के लिए मोटिवेशन तो चाहिए ना। तो एक बार पहले भी मैं बात कर चुका हूँ और उसके एवज में आपने रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया। तो वही बात है दोस्तों कि अभी भी जो जो डिमांड आप लोग कर रहे हो वो सब कंप्लीट करने के लिए अभी भी थोड़ा मुझे कुछ चाहिए यार। मतलब मज़ा अभी भी नहीं आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। जो मैंने वादा किया है वो मैं निभाऊंगा कि मैं आपको हर हफ्ते आपको मैं मैथ्स का सोल्यूशन तो लाऊंगा ही लाऊंगा। लेकिन अगर इंग्लिश के भी रीजनिंग के भी पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आप डिमांड कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग आयाम है। वो हम लोग करेंगे जब हम लोग 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएंगे, तब मैं आपके लिए इंग्लिश और बाकी के पूरे मॉक टेस्ट का सोल्यूशन और पूरा पीडीएफ वगैरह सब कुछ अरेंज करूंगा अच्छे से। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर ऐसा कीजिए कि ऐसा कुछ सेटअप कीजिए कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हो तो उससे थोड़ा आसानी होता है आपको वीडियो देखने में। तो वो भी मैं करूंगा, लेकिन वो सब सारे अरेंजमेंट्स मैं करूंगा जब हम लोग 500 क्रॉस कर जाएंगे। तो मैं वादा करता हूं, आज मैं आपसे वादा करता हूं कि तब मैं ये करूंगा ही करूंगा। और आपको पता है कि मैं अपने वादे से मुकरता नहीं। इसके अलावा एक और जरूरी बात है दोस्तों कि स्टेनोग्राफर का एग्जाम कुछ दिन पहले हुआ था, उसके पहले सीडीएस का एग्जाम हुआ था इसी हफ्ते। तो दोनों दोनों एग्जाम का जो एनालिसिस होता है वो मैंने डाल रखा है चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं कि एग्जाम कैसा हुआ। यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, मतलब यहाँ या यहाँ पे कहीं पे आपको यहीं पे लिंक यहाँ मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो आप वहां से जाके देख सकते हो कि कैसा रहा था एग्जाम पेपर, कैसा एग्जाम लेने वाला है एसएससी आने वाले एग्जाम्स में, इन सब का आइडिया आपको इस एग्जाम से हो सकता है। तो दोस्तों चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे केडी कैंपस मॉक टेस्ट नंबर 182 का मैथ्स पार्ट का, फिलहाल मैथ्स पार्ट का ही सोल्यूशन। तो दोस्तों अगर मैं पेपर की बात करूं कि ये पेपर कैसा था, तो मानना पड़ेगा कि इस बार जो क्वेश्चंस थे वो ट्रिक बेस्ड बहुत कम थे। अगर आपको बिल्कुल कंसेप्ट पता है तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी कम थे, थेरेटिकल क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री में कह लें या फिर अर्थमेटिक में भी कह लें। तो क्वेश्चन टफ थे इस बार डेफिनेटली। अगर आप 17 से 18 या 17 से 20 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अच्छा स्कोर है आपका, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पीडीएफ का जो क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन अपने आप में एक बिल्कुल थियोरिटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रिक लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास एक आइसोसेलस ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, जिसमें उसने आपको कहा है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, राइट। हाँ, ए बी ए सी के बराबर है, और डी कोई एक रैंडम पॉइंट है बी पे, डी कोई भी एक पॉइंट है बी पे, और ए से डी को मैंने मिला दिया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके पास और चारों ऑप्शन जो है वो मतलब लेटर्स में ही है, कोई फिक्स मतलब ऐसा नहीं कॉन्स्टेंट कुछ है, मतलब सारा लेटर्स में ही है दोस्त। ये जो थ्योरम है ऐसे कंडीशन में ये थ्योरम होता है, और ये होता है बी डी इंटू सी डी के बराबर, ये होता है बी डी इंटू सी डी के बराबर। आप कहोगे सर आप कैसे कह सकते हैं ये कैसे होता है, तो इसका बाकायदा प्रूफ है सिमिलरिटी और पाइथागोरस थ्योरम, मेनली पाइथागोरस थ्योरम के ही इस्तेमाल से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं।
तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं सोल्यूशन करवाता हूँ ये बस एक स्पीडी सोल्यूशन है। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, इसलिए सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में रिमार्क कर दें कि इसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो मैं आपको, इसका प्रूफ आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बात और दोस्तों, कुछ बच्चों ने कहा था कि पिछले मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आए थे। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है ना, तो दो बातें हैं, या तो उस चीज का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आपने वो चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है, या फिर आपने वीडियो सही से नहीं देखी है, यही दो रीजन होता है। तो पहले अगर आपका कंसेप्ट आपका वीक है तो पहले जाकर कंसेप्ट पढ़िए जो सर, जो आपने क्लास में पढ़ाई की है, जो सर ने आपको आपके पढ़ाया होगा। और दूसरा कि जो मैं एक बार मैंने सोल्यूशन दिया, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो बार बार उसको देखिए, दो तीन बार देखिएगा तो खुद ब खुद आपको आसान लगने लगी वही सेम चीज है जो आपको पहले टफ लग रही थी। खैर वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये प्रूफ तो इसका मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा लेंदी प्रूफ है, 5 मिनट लग जाएंगे प्रूफ ही करने में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ दोस्तों। देखिए अगर ये आइसोसेलस ट्रायंगल है और मान लो कि ए डी, क्योंकि डी के बारे में तो कुछ कहा नहीं है कैसा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये बी सी का मिड पॉइंट होगा। और ये आपको पता है कि आइसोसेलस में अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो डी को मैं मिड पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे भाई कोई साइड नहीं दे रखा है तो मैं अपने मन से कुछ भी मान सकता हूँ, साइड अपने मन से मान सकता हूँ ना। तो मैंने मान लिया इसको 15 मान लिया, इसको भी 15 मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया 9। जब इसको 9 मैंने मान लिया तो इसको मुझे 12 12 मानना पड़ेगा दोनों को, बिल्कुल मान, तभी तो मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने यहां माना है। तो एक को 15 माना, एक को 9 माना, तो तीसरा 12 हो जाएगा खुद ब खुद। अब देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए बी क्या है 15, तो 15 स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए डी क्या है 9, 9 स्क्वायर बराबर क्या आया 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 × 12 लिख सकता हूँ ना, 12 × 12 यानी कि 12 यहाँ पे क्या है बी डी है और डी सी, सॉरी सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है ठीक है, बी डी इंटू डी सी 12, बी डी भी 12 है और डी सी भी 12 है। तो यहां से एक हम इन्फर कर सकते हैं, यहां से हम इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि हाँ जो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर है वो बी डी इंटू डी सी हो सकता है। दोस्तों ये प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ नहीं है, ये बस मैं आपको एक विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना कैसे है। जब कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम अपने मन से कोई वैल्यू हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है फिर से ट्रिग्नोमेट्री से, और ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कोई ट्रिक तुरंत नहीं लगा सकते हैं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहता है सेक थीटा जो है वो ए प्लस 1/4 ए के बराबर है, और आपसे वैल्यू पूछी जा रही है 1/cos थीटा प्लस 10 थीटा की, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो ये कैसे निकलेगा मेरे दोस्त। दोस्तों पहले मुझे एक बात बताइए, ये दोनों अगर मैं सेम बनाना चाहूँ, बस ऐसे ही सेम बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे सेम बन सकता है जरा देखिए। तो सेम करना चाहूँ तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 से ये कट के हो जाएगा नीचे 2, ठीक है। अब दोस्तों एक जाना पहचाना कैरेक्टर बन रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। दोस्तों आपको पता है कि सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, होता है। यहां मैं लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस थीटा, लिख सकता हूं इसको, तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा जो है वो सेक थीटा प्लस 10 थीटा इसके बराबर हो जाएगा, होता है कि नहीं। तो दोस्तों में दोस्तों एक बात और गौर कीजिएगा कि अगर इस टर्म को सेक थीटा माइनस थीटा और सेक थीटा प्लस थीटा को अगर मैं जोड़ता हूं तो 2 sec थीटा बनता है, 2 sec थीटा बनता है, जी हाँ। तो यही चीज मुझे यहां से पता लगाना है कि सेक थीटा माइनस थीटा की जो भी वैल्यू होगी, सेक थीटा प्लस थीटा की वैल्यू उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगी। और मुझे यहां दिख रहा है एक फिगर ये दिख रहा है और एक दिख रहा है इसका रेसिप्रोकल, मतलब कि ये जो मुझे इधर दिख रहा है ये जरूर बना होगा इसको और इसको जोड़ने से, ये हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है।
यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा बड़ा होगा या sec थीटा माइनस थीटा, ये बड़ा होगा, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा सॉरी प्लस tan थीटा जो है ये पक्का मैं कह सकता हूँ 2a के बराबर होगा, और sec थीटा माइनस tan थीटा जो है ये पक्का 1/2a के बराबर होगा क्योंकि रेसिप्रोकल के बराबर होता है, ठीक है। और इन्हीं दोनों को जोड़ के ये इक्वेशन में हमारे सामने बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए इसी के, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec थीटा को 1/cos थीटा लिख दिया मैंने, और यही तो मुझसे पूछा जा रहा था, 1/cos थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर हो गया हमारा 2। दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई रहती है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए, और जो आइडेंटिटीज जो फॉर्मूले आपको याद हैं उसको उससे जोड़िए, और तब एक निष्कर्ष निकालिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का यही तरीका होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 भी काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत नहीं लेकिन फिर भी है, और यहाँ पे कोई और ट्रिक नहीं लग पाएगा। दे रखा है कि टेन थीटा बराबर जो है, दे रखा है 31/29, 29 यहाँ पे है, मैं इसको नीचे ले आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि 1 + 2 sin θ cos θ अपॉन 1 - 2 sin θ cos θ। दोस्तों कि देखिए ये कितना सिंपल मैं आपको बताऊंगा, ये कितना सिंपल मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड्स। दोस्तों टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin θ / cos θ, लिख सकता हूं इसको ध्यान से। अगर आप देखिए दोस्तों वन क्या हो जाएगा, वन को मैं लिख सकता हूं sin²θ + cos²θ, लिख सकता हूं, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा एडजस्ट कर लूं कैमरा को, हाँ ठीक है। वन को sin²θ + cos²θ, तो sin²θ + cos²θ + 2 sin θ cos θ, तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये बन रहा है कि नहीं, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं ऊपर में sin θ + cos θ का होल स्क्वायर, नीचे नीचे sin θ - cos θ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं इन पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि अगर इसकी वैल्यू मुझे मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दोस्तों जरा यहां देखिए, यहां अगर मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं, यहां कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर आपने पढ़ा है तो ये हो जाएगा, तो इसको मैं लिख पाऊंगा sin θ + cos θ अपॉन sin θ - cos θ, ठीक है। उसी फॉर्म में ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 31 + 29 अपॉन 31 - 29। 31 + 29 क्या हो गया, 60, और 31 - 29 2 हो गया, 60/2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30। यानी कि sin θ + cos θ / sin θ - cos θ की वैल्यू क्या आ गई, 30। पूछा क्या जा रहा है, इसके स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, बस 30 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि मेरा आंसर हो गया 900, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आप ये तरीका फॉलो नहीं करते हो तो आपके आपके आपको एक लेंथी तरीका फॉलो करना पड़ेगा, जो काफी काफी कैलकुलेटिव है, काफी टाइम टेकिंग है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि इसी तरीके को आप फॉलो कीजिए, जल्दी आप आंसर तक भी पहुंच जाओगे। ये जो मैंने किया ना दोस्त, ठीक है, आपको हल्का सा अगर प्रैक्टिस हो जाए तो ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए ये तरीका बेस्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है ज्योमेट्री से, ये आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी इज अ ट्रायंगल, और डी एक पॉइंट है बीसी पे, बीसी पे एक पॉइंट है डी। अब कहता है कि बीए को ई तक प्रोड्यूस किया, बीए को ई तक प्रोड्यूस कर दिया गया है, और सी ए ई अगर 75 डिग्री है, सी ए ई ये अगर 75 डिग्री मुझे दे रखा हो, आपको देखने में तो नहीं लग रहा होगा बट इसको मान लीजिए, और ए डी बी डी और ए सी आपस में बराबर हो, ए डी बी डी और ए सी ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो आपको आपसे पूछ रहा है ए सी डी ये एंगल क्या होगा, ये बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोस्तों अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा, जब ये एंगल इसके बराबर तो ये एंगल जो है वो इन दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो अगर ये थीटा थीटा तो ये हो जाएगा 2θ, ठीक है। अब ये साइड इसके बराबर है तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, तो अगर ये 2θ तो ये भी 2θ,
ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल एबीसी में ये एंगल और ये एंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये, यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस टू थीटा बराबर 75, यानी कि 3 थीटा बराबर 75। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 25, लेकिन मुझसे मुझे निकालना है एंगल सी, एंगल सी तो एंगल सी क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री। तो यही मेरा हो गया ऑप्शन नंबर सी, हो गया मेरा करेक्ट आंसर। बहुत ही सब फर्जी क्वेश्चन है ये सब, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर में कर चुके होंगे, कई बार अलग अलग सेट्स में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब अगर नहीं आप सॉल्व आज भी अगर हो रहे हैं तो बहुत दिक्कत की बात है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 भी ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी अलग बात पूछी गई है। आपके पास दे रखा है एक ट्रायंगल जिसकी भुजा 6, 7 और 8 है। अब कह रहा है कि इसकी जो इस पर लॉन्गेस्ट साइड पे जो मीडियन बनेगा, माध्यिका जिसको कहते हैं हिंदी में, जो माध्यिका बनेगी उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे लंबा साइड कौन है दोस्तों? 8। तो 8 पे मीडियन कुछ इस ढंग से बनेगा और ये पक्का इसका मिड पॉइंट होगा। तो इसी की मुझे लेंथ पता करनी है। दोस्तों अगर अपोलोनियस थ्योरम आपको पता है, अपोलोनियस थ्योरम पता है, अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं यहाँ पे, क्योंकि ये थ्योरम बताए बिना ये क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों किसी कोई मीडियन अगर ड्रॉ किया जाता है किसी साइड पे, आपको पता है तो मिड पॉइंट होता है, ठीक है। सामने वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा ही माध्यिका होती है, ठीक है। तो अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये एम है, ये पूरा, तो यहां एक रिलेशन होता है दोस्तों कि एम बाय टू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू टू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई एम जेड को मत देखिए, मैं किन किन किस किस साइड को मैं ले रहा हूं उसको देखिए ध्यान से, ठीक है। किस कौन कौन से साइड में ले रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो बचे हुए दोनों भुजा का स्क्वायर बराबर होगा दुगने, किसके दुगने के बराबर? इस साइड के हाफ के बराबर के का स्क्वायर और इस मीडियन के स्क्वायर के सम के दुगने के बराबर, ठीक है। तो यही चीज यहां अप्लाई करते हैं हम लोग। अगर मुझे तो यहां मैं लिख सकता हूं 2 इंटू इस साइड का हाफ, तो यानी कि 4 स्क्वायर। ये इसको मैं एक्स मान लेता हूं, पता नहीं है तो मीडियन की लेंथ एक्स स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। बस कुछ नहीं किया मैंने, इस फॉर्मूला पे बस बैठा दिया है मैंने। आप ध्यान से देख लीजिएगा दो बार, आपका क्लियर हो जाएगा क्या ये फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 53/2। तो हमें ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा करेक्ट आंसर, अपोलोनियस थ्योरम। इसको प्लीज कहीं नोट कर लीजिएगा अगर पता नहीं है तो, और अगर पता है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए और इस क्वेश्चन में आपको एक सरप्राइज मिलेगा। इसमें जो क्वाड्रिलेटरल है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है आपके सामने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों शीर्ष सर्कल पे लाए करते, सर्कल के बाउंड्री पे लाए करते हैं, वैसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। अब कहता है कि ए बी और डी सी को अगर हम बढ़ाएं तो ये एक दूसरे पे मिलते हैं पी पे, और सी बी और डी ए इन दोनों को मिलाएं, सी बी और डी ए को मिलाएं तो ए डी एन, फिगर में थोड़ी गलती है दोस्तों, ठीक है कोई बात नहीं, फिगर कुछ इस ढंग से है, क्यू इधर नहीं है, क्यू इधर है, कोई बात नहीं, आसान इस ढंग से, ठीक है। ये आपका क्यू हो गया, बाहर चला गया क्या, कोई बात नहीं, इसको ले आते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह ढंग से है, कोई बड़ी बात नहीं। ये आपको 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ए डी सी ये आपको 85 डिग्री दे रखा है और आपसे पूछ रहा है सी क्यू डी ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अब बहुत ही आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सी क्यू डी अगर मुझे निकालना है मेरे भाई, आपको पता है
कि साइक्लिक ट्रिगोनल क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजा का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 85 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 85 यानी कि 95, तो ये हो गया मेरा 95 डिग्री। क्लियर? अब मेरे भाई एक बात बताइए, ये एंगल क्या इस एंगल और इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है क्या? है, ध्यान से देखिए, ये आपका पीबीसी एक ट्रायंगल है और ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर ये 40 है तो ये कितना होना चाहिए, 95 माइनस 40 तो कितना हो गया, 55। अगर ये 55 तो ये भी 55, ठीक है। अब देखिए फिर से, ये जो 85 डिग्री है ये इसका और इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं, बाह्य कोण, बाहरी कोण, बाह्य कोण बन रहा है कि नहीं, तो इन दोनों का सम 85 के बराबर होना चाहिए, तो अगर ये 85 है तो ये कितना होना चाहिए, ये 55 है तो ये कितना होना चाहिए, 85 माइनस 55 यानी कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ही मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए है मेरा करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल जो है वो है अलजेब्रा का, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, और इसमें कहा जा रहा है कि x बराबर जो है वो 2 प्लस 2 पे पावर 1 बाय 3 प्लस 2 पे पावर 2 बाय 3 के बराबर है, ठीक है, ये मुझे पता है, और आपको बताना है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 6x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहां कोई ट्रिक नहीं, यहां कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, दोस्तों जब यहां पे क्यूब आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि मुझे पक्का क्यूब करना होगा इस टर्म का, इतना तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग किसी टर्म का क्यूब करते हैं तो उसके साथ और भी कुछ आता है उसके साथ, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब अगर करते हैं तो ए क्यूब आता है, बी क्यूब आता है, 3ab आता है, ए प्लस बी आता है। तो मतलब कि सिर्फ x का मुझे क्यूब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर भी है, x भी है, तो मतलब कुछ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है वो हम लोग करते क्या है वो देखिए, क्या मैं इस पूरे का क्यूब कर सकता हूँ, संभव है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा होगा, लंबा सा फॉर्मूला आएगा, तो नहीं। हम लोग क्या करते हैं, 2 को ले आते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2 पे पावर 1 बाय 3 और प्लस 2 पे पावर 2 बाय 3। अब हम लोग कर सकते हैं दोनों तरफ क्यूब, अब इसका ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, कर दीजिए क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, फॉर्मूला एक्स ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसको कीजिए क्यूब, 2 पे पावर 1 बाय 3 पे पावर 3 2 माइनस प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 पे पावर 1 बाय 3 इंटू 2 पे पावर 2 बाय 3 इंटू 2 पे पावर 1 बाय 3 प्लस 2 पे पावर 2 बाय 3, ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन कुछ खास नहीं है, यहीं तक है, 2 पे पावर 2 बाय 3 तक ही है, ठीक है। अब जरा देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसको एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2, इसको कैसे सिंप्लीफाई, 2 4 प्लस 2 6 6। अब देखिए ये दोनों बेस सेम है इन दोनों में, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3 क्या हो जाएगा, 3 बाय 3 यानी कि 1, तो 2 पे पावर 1 क्या होता है, 2 पे पावर 1 यानी कि 2। और दोस्तों अगर ये वैल्यू को मैं देखूं तो इस ये वैल्यू यहाँ किसके बराबर हुई थी, यहाँ मैं इसको 2 को इधर ले गया था तो ये x माइनस 2 के बराबर थे, यहाँ लिख सकता हूँ x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बट कोई डरने की बात नहीं, थोड़ा सा इसको ओपन कीजिए, एक्स क्यूब, देखिए लेंदी क्वेश्चन है नो डाउट, इसीलिए मैंने कहा कि आज का पेपर थोड़ा टफ ही था, मैंने इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x बराबर 6 प्लस 6x माइनस 12, बस कुछ नहीं किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया है। अब दोस्तों हमको मुझे जो चाहिए वो मेरा मुझे खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, ये इधर 12 है इधर 6 है, तो 6 से 12
छः से छः कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 12 बच गया, 6 बच जाएगा इधर। अब क्या बच गया, तो +6x बराबर 6 - 12 + 8 आंसर आ गया, 2 आ गया मेरा फाइनल आंसर। दोस्तों लेंथी क्वेश्चन था नो डाउट, और ऐसे ही क्वेश्चन को टफ कहते हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता करना क्या है, और अगर समझ में आ भी गया कि क्या करना है फिर भी आपको एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो दिस इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चन दैट हैज बीन दैट हैज अपेयर्ड इन SSC CGL एग्जाम, और ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया था ये क्वेश्चन कई साल पहले। और तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया वो कर लेंगे, मतलब किसी एक तरीके से आप पूरा जंग नहीं जीत सकते, आपके पास तलवार भी होना चाहिए, गदा भी होना चाहिए, पत्थर भी होना चाहिए, रथ भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इसलिए ये सारी कुछ नई बात नहीं है, सबको जमा करते रहिए और इसको मन में संजोते जाइए और एग्जाम में सारी चीजों को अप्लाई कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा से, और दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे नहीं तो आप करोगे अपने तरीके से करोगे, मिनट कई मिनट आपके बर्बाद हो जाएंगे, क्वेश्चन में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, शायद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा विद इन 5 सेकेंड्स आप आंसर बता सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपको दे रखा है कि a+b+c = 0, और आपसे पूछ रहा है कि ab+bc+ac बराबर क्या होगा। दोस्तों आपको पता नहीं, मैं पता नहीं आपने क्या क्या पढ़ा होगा इसको कैसे निकालने के लिए, जो भी फॉर्मूला मैं देखिए क्या आपको तरीका मस्त बताने वाला हूँ। पहले तो क्योंकि a+b+c = 0 है, ये इक्वेशन एक है और वेरिएबल 3, जब इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाए तो हम लोग अपने मन से वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं अपने मन से रखता हूँ, अगर a को मैं 1 मान लूँ, b को -1 मान लूँ और c को 0 मान लूँ, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखिए तो 1 - 1 + 1 - 0 + -1 - 0 क्या गया आंसर, 1। यानी कि जिस ऑप्शन में मुझे 1 आएगा, जिस ऑप्शन में 1 मुझे आएगा वही मेरा आंसर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो भी ये फिगर है, जो भी ये फिगर है, जो भी a² b² + b² c² + c² a² जो भी फिगर है, ये तीनों ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। तो दोस्तों ये जो फिगर आएगा ये आएगा 1, इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, 1 से ज्यादा आ नहीं सकती क्योंकि इसमें से c तो 0 है, c दो जगह है तो वो 0 कर देगा, c दो टर्म को 0 कर देगा, बचेगा एक टर्म 1 - -1 - 1 - 1² 1। तो 1, अब दोस्तों अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 2, जो कि मेरा मुझे नहीं चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन में देखिए इसमें आ रहा है मुझे 1, दूसरा ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, लेकिन चेक कर लेते हैं बाकी में भी तो 1 नहीं आ रहा है। तीसरे ऑप्शन में क्या आ रहा है, 3 - 1 3 आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। और चौथे ऑप्शन में क्या आ रहा है, 3 - -1 - 1 - 0 क्या आ रहा है, 0। यानी कि तीन ऑप्शन कट गया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही मेरा करेक्ट आंसर, यही हो गया मेरा आंसर। दोस्तों अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो आप मतलब क्या क्या कैलकुलेशन करोगे और पागल हो जाओगे। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड कहते हैं इसे, जब नंबर ऑफ इक्वेशन वेरिएबल की संख्या से कम हो तो अपने मन से हम लोग वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, जिस चीज की वैल्यू निकालने कह रहा है उस पर वैल्यू उस पर पुट कर दीजिए जो आंसर आया आपको, और ऑप्शन में जिस चीज से वो आंसर आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको दो बार देखिएगा दोस्तों कम से, इस क्वेश्चन को कई चीजें क्लियर होंगी आपकी इससे, आपको इससे। ठीक है, देख रहे हैं विद इन विद इन मतलब ये तो मैंने आपको इतना बताया, विद इन सेकंड्स आप आंसर लिखोगे इसका, विद इन सेकंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल मेंसुरेशन से है दोस्तों, और ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। दोस्तों ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ और आंसर बता देता हूँ क्या सही आंसर क्या है। दोस्तों कहता है कि आपके पास एक क्यूब है, क्यूब आपको पता है कुछ इस तरह से होता है, ये आपका क्यूब है जिसका हर एक साइड एक स्क्वायर होता है, और इस तरह से आपका क्यूब बन के तैयार है। इसके ऊपर जो है इस सरफेस पे एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से, फ्रंट आगे से अगर मैं देखूंगा तो कुछ इस तरह से देखने में लगेगा, तो वही क्वेश्चन में दे रखा है। अब कहता है कि टोटल हाइट है इस फिगर की यह है 21, टोटल हाइट कितनी है 21, और आपसे कह रहा है कि जो कर्व सरफेस एरिया है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसका और क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो 11:42 है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर क्या है। देखिए दोस्त, पहले तो हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr². तो हेमिस्फेयर तो इसका आधा होता है ना, जब हेमिस्फेयर इसका कट गया बीच से, आधा ही हो गया, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4π² / 2, यानी कि 2πr². अब मुझे जो फ्लैट सरफेस है उससे तो लेने देना है नहीं, मुझे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से मतलब है, तो हो गया 2πr². ठीक है, तो यही कर्व सरफेस एरिया 2πr² अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब यानी कि 6L² यानी कि हर एक साइड जिस जो इसका होगा वही मेरा हो जाएगा उसका L। ठीक है, यही दोनों तो यही 11:42 दे रखा है ना मेरे दोस्त। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 22/7, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 22 और ये 7 चला गया नीचे। ठीक है, ये 11 से कट गया 2 बार में 22। ठीक है, ये 2 से कट गया नीचे 3, और ये 3 से कट गया 14। ठीक है, तो मुझे क्या आ गया, और ये 7 से कट गया 2, तो मुझे r² / l² दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया 1/4, तो r/l क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1/2। ठीक है, r/l आ गया 1/2। तो दोस्तों ये पूरी हाइट मुझे 21 दे रखी है, यानी कि r+l कितना है? 21, और r और l का रेशियो क्या है? 1:2, यानी कि r क्या हो जाएगा? 7, और साइड क्या हो जाएगा? 21, सॉरी 14, होगा कि नहीं? क्योंकि दो बातें दे रखी है, मैंने रेशियो पता कर लिया और दोनों का सम भी दे रखा है r प्लस, ये r ही यहाँ तक r ही तो होगा मेरे भाई, और ये क्या हो जाएगा? इस क्यूब का साइड हो जाएगा, तो r+l मुझे पता चल गया 21, और r into l 1/2, 1/2, तो 7 और 14। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, स्फेयर हाँ सेमी हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 2/3πr³, और क्यूब का होता है L³। दोस्तों अगर आप ये पता आर और एल की वैल्यू पता है, पुट कीजिए, आंसर निकालिए, आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन में थोड़ा इस क्वेश्चन में तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है ट्रिगोनोमेट्री से, आपको दे रखा है कि cos²θ + cos²π/4θ = 1, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos²π/4θ जो है वो 1 - cos²θ होता है sin²θ, तो ये हो sin²θ के बराबर, ये मैं इस बात से इन्फर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब आपसे पूछ रहा है कि tan²θ + tan²π/4θ की वैल्यू क्या होगी? इनसे मैं 10²θ कॉमन ले सकता हूँ, ले लिया कॉमन, बच क्या गया? यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 10²θ। आपको पता है 1 + tan²θ क्या होता है? sec²θ, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ sec²θ, और sec²θ को लिख सकता हूँ 1 / cos²θ, तो लिख सकता हूँ 1 / cos²θ। tan²θ को भी मैं लिख सकता हूँ sin²θ / cos²θ, क्या आ गया? sin²θ / cos²π/4θ, दोनों मल्टीप्लाई होके आ गया ये। अब जरा देखिए मेरे भाई, cos²π/4θ sin²θ के बराबर है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, तो sin²θ / sin²θ यानी कि 1 हो गया मेरा करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, और ये आसान है, आप लोगों ने डेफिनेटली कर लिया होगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99 और + 1/143। दोस्तों ये तो बहुत छोटा सा है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। दोस्तों मैं ट्रिक यहाँ डिस्कस करूंगा कैसे हम लोग इसको शॉर्ट में करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3 × 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 7। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 × 9। हर जगह गैप कितना है? 2 का 2 का 2 का। तो इन सबको, तो इसका जो आंसर होगा, सॉरी आंसर लिखने के लिए मैं 1 / डिफरेंस कितना है? 2, तो 2 लिख लीजिए। ठीक है,
ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, जो सबसे पहला टर्म है उसको लिख लीजिए एक के नीचे, और उसमें माइनस कर दीजिए जो सबसे आखिरी का टर्म है। सबसे आखिरी में क्या है, 143, इसको हम लिख सकते हैं 11 × 13। जो बड़ा वाला है उसको बाद में लिख, बाद जो बड़ा है उसको बाद में लिख रहा हूं बार बार, तो यहां भी लिखूंगा बार में, बच गया 1/13। ठीक है, आंसर आ गया मुझे 5/39। आप कर लीजिए कैलकुलेशन, ये मेरा ट्रिक हुआ। मतलब एक सेकंड में अगर ट्रिक नहीं पता है तो ये ट्रिक क्या किया मैंने, पहले देखा डिफरेंस कितना है 2 का, तो 1/2 लिख दीजिए, ठीक है, नीचे 2 लिख दीजिए, ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, जो सबसे पहला टर्म है उसको 1 के नीचे लिखिए, उसमें माइनस कर दीजिए जो सबसे बड़ा टर्म है 1 के नीचे लिख के, बस मेरा आंसर। अब ये हुआ कैसे, इस पे मैं आता हूँ, ये हुआ कैसे दोस्तों। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3×5, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे 2 से, और ये 2 अंदर भेज देता हूँ, तो सब में 2-2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट शुरू कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। अब आप, अगर आपको पता हो दोस्तों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 को क्या लिख सकता हूँ, 5 − 3/3×5। इसको मैं अलग 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 बांट दूं तो इसको ये हो जाएगा 1/3 − 1/5। तो क्या हो गया दोस्त, 1/3×5 को मैंने क्या लिख दिया, 2 कॉमन लेके बाहर, 1/3 − 1/5। इसी तरह से मैं सबको लिखते जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा 1/5 − 1/7, ये हो जाएगा 1/7 − 1/9। तो जितने बीच के टर्म्स हैं सारे के सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बच जाएगा सिर्फ पहला टर्म और आखिरी टर्म, वही हमने यहाँ लिखा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर वो ए है मेरा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आसान ये आपने किया होगा यार, नंबर सिस्टम का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 भी नंबर सिस्टम का ही है, ये भी आसानी क्वेश्चन है। आपके पास एक फिगर दे रखा है बड़ा सा, 6×3×3×7×2×2×8×111। कहता है कि इस टर्म का जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे। तो दोस्तों 3 को 6 को प्राइम फैक्टर्स में पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तो 6 को क्या लिख सकता हूं, 2×3। 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 पे पावर 3 सॉरी लिख सकता हूं। जब बेस आपस में मल्टीप्लाई है तो पावर बढ़ जाता है, तो इसको लिख सकता हूँ 2×3×3×3×3×3×7। तो प्राइम नंबर है ही, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको लिख सकता हूँ 2×3×3×3, क्योंकि पावर आपस में, अगर कंटिन्यूअसली पावर होते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि a पे पावर m पे पावर, अगर a पे पावर n है तो ये हो जाएगा a पे पावर m n। सिमिलरली 111×3 303, बस कुछ नहीं करना है, इन सारे को ऐड कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा 1221 हो जाएगा आपका आंसर। सारे प्राइम नंबर्स का जो पावर है उसको ऐड कर दीजिए तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मिल जाएगा 1221। ठीक है, तो यह तरीका है, आपको ये पता होना चाहिए, आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 मैं आपको दे रखा है कि a² + b² का क्यूब और a³ + b³ का स्क्वायर, ये दोनों अगर बराबर हैं तो क्या वैल्यू होगी a/b + b/a की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों कोई इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक हम लोग क्यों लगाते हैं, अपना टाइम रिड्यूस करने के लिए, या उल्टा और ज्यादा टाइम लगेगा अगर ट्रिक फालतू बेकार में घुसने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक से कीजिए, खुश रहिए। ए प्लस बी का होल क्या होता है, तो a² का क्यूब यानी a² + 3a² b² a² + b² स्क्वायर करूं तो a³³ का स्क्वायर b³² का स्क्वायर 6 + 2a³ b³। इससे इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, बच क्या गया, a² से ये खत्म,
बी स्क्वायर से ये खत्म, क्या हो गया दोस्त? 3a² + b² बराबर 2ab। ठीक है, ए बी को भेज देता हूँ मैं नीचे, ए बी को मैं यहाँ भेज देता हूँ और 3 को ले जाता हूँ 2 के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? a/b + b/a हो गया 2/3, यही मुझे चाहिए था, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। सिंपल बेसिक की चीज़ चलिए, सिंपल रहिए, खुश रहिए, कोई ट्रिक फॉर्मूला बेकार में रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एक दे रखा है cos² θ = x + y का होल स्क्वायर अपॉन 4xy। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, ये कह रहा है दोस्तों इस सवाल में। दोस्तों अगर आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू अधिकतम क्या हो सकती है, मैक्सिमम एक, एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात अगर आपको पता है तो कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। x + y/2 अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं x और y, तो ये x + y/2 है वो या तो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा √xy के। ये याद रखिएगा, ये अर्थमेटिक, इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन और इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इसी दोनों के आधार पे हम ये काम करेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा, यहां से मैं यहां से लिख सकता हूं, अगर दोनों तो स्क्वायर रूट में कर दूं तो cos θ = x + y / 2√xy लिख सकता हूं अगर स्क्वायर रूट कर दूं तो। अब क्या है कि अगर ये वैल्यू वन हो जाए, अगर ये वैल्यू वन हो जाए सिर्फ तभी ये दोनों बराबर होंगे। देखिए थोड़ा सा मैं अलग करके अगर आपको दिखाऊं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर क्या है अर्थमेटिक मीन, नीचे क्या है ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहा जा रहा है? अर्थमेटिक मीन हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। मेरे दोस्त अगर यहां पे ये बड़ा हो जाएगा इससे, तो क्या कभी वन आएगा? वन से ही बड़ा आ जाएगा, वन से बड़ा आएगा, जबकि बड़ा आना चाहिए क्या? नहीं, cos θ की अधिकतम वैल्यू वन हो सकती है। वन कब होगा? जब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में बराबर हो, जो कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? बिल्कुल। तो जब cos θ की वैल्यू वन हो जाएगी तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में बराबर हो जाएंगे, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2√xy जो है यहाँ बराबर हो जाएगा x + y के। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ x + y - 2√xy बराबर 0। ये हो जाएगा √x² ये +√y² -2√x√y यानी कि √x - √y का होल स्क्वायर बराबर 0। यहां से मैं इन्फर कर सकता हूं कि एक्स बराबर y। तो जब एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे, सिर्फ उसी कंडीशन में cos²θ जो है वो x + y / 4xy के बराबर होगा। यही है कंडीशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर, इसको प्लीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला सवाल मेंसुरेशन का है और आसान सा सवाल है। कहता है कि एक स्क्वायर काइट है, एक स्क्वायर वर्गाकार एक पतंग है जिसका जो डायगोनल है विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है 32। अब कहता है कि इसके एक छोर पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अटैच किया हुआ है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अटैच किया हुआ है जिसका आधार जो है वो 8 है, जिसका आधार क्या है 8 है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, अगर ये 32√2 है, अगर ये 32√2 है, आपको पता है कि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2a, तो ये √2a आपको 32 दे रखा है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 16√2। ठीक है, अब मेरे भाई कहा जा रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इस पे इसमें अटैच कर दी गई है, इस पतंग में नहीं, कुछ इस तरह से नहीं पतंग होती है,
ऐसी होती पतंग, तो इस ढंग से ये अटैच किया गया है। तो मेरे पूछ रहा है कि इसको बनाने में कितना कागज खर्च होया, कितना एरिया होगा कागज का। तो मेरे भाई अगर स्क्वायर का और ट्राइंगल का एरिया में जोड़ दूं तो काम नहीं बन जाएगा क्या? तो बन जाएगा। तो मुझे स्क्वायर का एज पता हो गया 16√2, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? 512। ये हो गया एरिया ऑफ द स्क्वायर। लेकिन इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा, ठीक है? वो तो साफ साफ दे रखा है कि उसका एज क्या है, 8। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता है होता है 3√3/4a², यानी कि 8 × 8 यानी कि 16√3, ठीक है? यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया हो जाएगा 16√3, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 512। तो मेरा जो आंसर है फाइनल वो हो जाएगा 512 + 16√3। आपको कहा है यहाँ पे कि रूट थ्री को 1.732 मान लीजिए, तो आपको अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो आपको आंसर आ जाएगा 539 point something, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है मेरा करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था यार, कोई बड़ा बड़ा डायगनल का लेंथ था, डायगनल की मदद से मैंने साइड पता कर लिया, साइड की मदद से मैंने एरिया पता कर लिया स्क्वायर का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड साफ साफ दे रखा था, उसके मदद से उसका एरिया पता कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया मेरा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल जो है ना वो है एवरेज का, और यहाँ कहता है कि 12 बक्से हैं और उनका जो एवरेज वेट है वो 1.8 kg, एवरेज वेट है उन सारे बक्सों का वो 1.8 kg है। अब कहता है एक नया बक्सा ऐड कर दिया गया उसमें, तो एवरेज वेट जो है वो गिर गया 50 ग्राम, एवरेज वेट 50 ग्राम गिर गया। तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि 12 बक्से का एवरेज वेट अगर 1.8 ग्राम है और 13वां बक्सा वहां पे आ गया, तो 13वां बक्सा का वजन अगर 1.8 ही होता तो कोई बदलाव नहीं आता एवरेज में। अगर उसका वजन 1.8 से ज्यादा हो जाता तो उनका एवरेज वेट बदल जाता, अगर उसका वेट 1.8 से कम होता तो उनका एवरेज वेट गिर जाता, और वही हुआ है, 50 ग्राम गिर गया है, ठीक है? तो जो 13वां बक्सा है वो किसके बराबर होगा? तो मैं कह सकता हूं 1.8 से छोटा होगा पहली बात, तो 1.8 माइनस। अब क्या हुआ, वो इतना कम था कि वो बाकी सारे बक्सों में के एवरेज से 50-50 ग्राम माइनस कर दिया, तो सीधा मेरा आंसर हो जाएगा 50 ग्राम × 13, यानी कि 1.8 × 50, यानी कि 650 ग्राम, 650 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 0.65 kg, आंसर मेरा आ गया 1.15 kg इसका वेट। दोस्तों ये एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि न्यू बॉक्स का अगर मुझे निकालना है वेट, तो आप ऐसा कीजिए कि पहले एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है? पहले एवरेज लिख लीजिए, एवरेज में से घटाना है, क्या घटाना है, जितना उसने एवरेज में कमी लाई और टोटल नंबर ऑफ बॉक्स जितने हैं दोनों को गुना कर दीजिए, उसको घटा दीजिए आंसर, ठीक है? अगर कहता उसने 50 ग्राम बढ़ा दिया है तो बस माइनस की जगह पे प्लस हो जाता, ठीक है? तो दोस्तों एवरेज का कांसेप्ट शायद आपको पता भी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो SI का है, इन्वेस्टमेंट का है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। कहता है कि एक इंसान है वो अपना आधा कैपिटल 10% पर एनम पे इन्वेस्ट करता है, फिर बचे हुए का फिर 1/3 9% पे, और जो बच गया वो 12% पे, ठीक है? तो एवरेज कितना उसको रेट, कितना परसेंट इंटरेस्ट उसको साल के अंत में मिलेगा? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके इन्वेस्टमेंट से, ठीक है? तो 10% कितने पे, तो हाफ पे, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9% कितने पे, तो 1/3 पे, तो 1/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच कितना गया 1/6, उस पे था 12% का, तो इसको कर दीजिए 12 से। ये आ गया 5, ये आ गया 3, और ये आ गया 2, 5 × 8 = 10%। तो 10% हो गया मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है? तो कैसे करेक्ट आंसर हो गया था? तो यही परसेंट ही आया, तीनों को मैंने जोड़ दिया, 10% बी मेरा करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में यही करना है, जितना परसेंटेज जिस पार्ट पे हो रहा है उसको पार्ट से, पार्ट और परसेंटेज को मिला मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तीनों को
ऐड कर दीजिए, मेरा आंसर आ जाएगा कि मुझे नेट कितना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो यही तरीका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 68 है, यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। ठीक है दोस्तों, कहता है कि दो रेखाएं हैं, कुछ इस तरह से शायद गुजर रही हैं। एक रेखा है x प्लस टू वाई बराबर थ्री, और दूसरी रेखा है 3x माइनस टू वाई बराबर वन। 3x माइनस टू वाई बराबर वन, दो रेखाएं हैं। अब कहता है कि ये दोनों रेखा जो है ये y एक्सिस को काटते हैं कहीं कहीं पे, तो जिस पॉइंट पे y एक्सिस को काटते हैं उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है किसी लाइन का, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर वन, ये लाइन का इक्वेशन होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है इस फॉर्म में, जहां पे ए क्या है, ए है वाई इंटरसेप्ट और बी, ए है एक्स इंटरसेप्ट और बी है वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, तो के ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी जिस पॉइंट पे वो लाइन एक्स को काट रहा है उस दूरी को एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी जिस पॉइंट पे वो लाइन वाई एक्सिस को काट रहा है उस दूरी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। यानी कि ये लेंथ हमारा ए हो गया और ये लेंथ हमारा बी हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो ये हम, लेकिन हमारे पास इक्वेशन क्या है ये, तो हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं इंटरसेप्ट पता करने के लिए। इंटरसेप्ट पता करने के लिए हम लोग नॉर्मल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, करते हैं, यहां पे है वन, वन लाने के लिए दोनों तरफ तीन से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां बच जाएगा वन, यहां आ जाएगा थ्री और यहां भी आ जाएगा थ्री। टू निको में नीचे भेज दूं तो हो जाएगा थ्री बाय टू, हो जाएगा। सेम वही काम मैं यहां करता हूं, यहां मुझे वन बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से वन है, तो यहां मैं करता हूं थ्री को मैं नीचे ले आता हूं, क्योंकि यहां पे नीचे है ना, ये थ्री को नीचे वन बाय थ्री लिख सकता हूं। यहां पे माइनस टू है तो यहां लिख सकता हूं माइनस वन बाय टू। क्लियर, ठीक है, समझ में आना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो पहला लाइन है उसका वाई इंटरसेप्ट यानी कि यहां से इस पॉइंट की दूरी क्या होनी चाहिए, थ्री बाय टू यूनिट, और एक्स यहां पे क्या है, जीरो है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, दूसरी लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट से मुझे मतलब है नहीं, वाई इंटरसेप्ट क्या है, माइनस वन बाय टू, और एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी पहले एक्स लिखा था तब वाई, तो जीरो कॉमा थ्री बाय टू हो गया इसका, और इसका हो गया जीरो कॉमा माइनस वन बाय टू। अब दोस्त दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो थ्री बाय टू प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस वन बाय टू। मॉडुलस में क्यों लगाया, क्योंकि जब मुझे दूरी निकालनी होती है तो दूरी जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ये यहां पे माइनस कहने का मतलब कि इस लाइन ने वाई एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन पे काटा, इस लाइन ने वाई एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन पे काटा, इस बात को बता रहा है ये माइनस। लेकिन जब मुझे दूरी निकालना होगा तो दोनों मुझे प्लस लेना होता है, तो ये हो जाएगा प्लस, मॉड में जाने के बाद मॉड में किसी वैल्यू को भी रखते हैं तो पॉजिटिव निकलता है, जैसे कि माइनस फोर को मॉड में रख दीजिए तो फोर निकल जाएगा, माइनस रूट टू को मॉड में रखिए तो रूट टू निकल जाएगा, टू को मॉड में रख दीजिए टू ही रह जाएगा। तो मॉडुलस क्या करता है, किसी भी निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखने देता है। ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर आ गया टू, दोनों के बीच की दूरी टू हो गई इस पॉइंट से इस पॉइंट की। डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी आप लोग कर सकते हैं या फिर ऐसे ही देख के आप कर सकते हैं, लाइन ही तो है, फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। टू हो गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी है मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से, और ये सब क्वेश्चन है ना ट्रिक बेस्ड है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से होते हैं। ठीक है अमूमन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब न्यूमेरिकल फिगर नहीं है, अल्जेब्रिक फिगर है, इसलिए ट्रिक यहाँ पे हो जाता है फेल। कंसेप्ट ही हर जगह आपको बचाएगा, हर जगह ट्रिक आपको नहीं बचाता है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन है उसकी स्पीड बताइए, अगर वो दो आदमी को ओवरटेक करता है, पहले आदमी की स्पीड है ए, दूसरे आदमी की स्पीड है ए प्लस वन, तो पहले आदमी को ओवरटेक करता है वो बी सेकेंड में और दूसरे आदमी को ओवरटेक करता है बी प्लस वन सेकेंड में, तो बताइए उस ट्रेन की स्पीड क्या है। तो मेरे दोस्त, आदमी इधर चल रहा है, ट्रेन भी इधर ही जा रहा है, तो ओवरटेक कैसे करेगा, ओवरटेक तभी करेगा जब पूरा ट्रेन उस आदमी से पार हो जाएगा, तभी हम कहते हैं ओवरटेक करेगा।
तो अगर मैं मान लेता हूँ ट्रेन की स्पीड टी होगी, तो ट्रेन और पहले आदमी की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? टी माइनस ए हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, ठीक है, टी माइनस ए। अब ये टी माइनस ए स्पीड से ये 20 सेकेंड में इसको क्रॉस किया, तो दोस्तों ये दूरी किसके बराबर होगी? ये होगी लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर ये होगी दूरी। ये हो गया रिलेटिव स्पीड और ये हो गया टाइम, हो कि नहीं? ठीक उसी तरह से दूसरे आदमी को टी माइनस ए माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ हो जाएगा बी प्लस वन। ये भी लेंथ ही तो है, ये भी तो लेंथ ही ना होगी मेरे भाई, लेंथ ही होगी ये भी। क्या दोनों लेंथ बराबर? तो यहाँ ये भी ट्रेन की लेंथ, ये भी ट्रेन की लेंथ, दोनों आपस में बराबर नहीं होगी, बिल्कुल बराबर होगी दोस्तों। यहाँ अगर इन दोनों का आप बराबर कर दोगे, यानी कि कहने का मतलब टी माइनस ए इंटू बी बराबर बी प्लस वन इंटू टी माइनस ए माइनस वन, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे आपको टी की वैल्यू आ जाएगी ए ए प्लस बी प्लस वन, यहाँ से आपको ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ दोस्तों आपका ट्रिक हो गया फेल, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता तो आप यहाँ फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए इस सब को मतलब हर चीज़ का ट्रिक सीखिए, मैं मना नहीं करता हूँ ट्रिक सीखने, लेकिन उसके साथ ही साथ उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो ट्रिक आया कहाँ से, क्योंकि हल्का सा भी क्वेश्चन अगर घुमा दिया तो आप फंस जाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 है प्रॉफिट एंड लॉस से, और ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि किसी वस्तु पे 20% का लाभ होता है, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5। कहने का मतलब कि अगर उसका प्रसीपी क्रय मूल्य 5 है तो उस पे 1 का उसको फायदा हुआ। जब 1 का फायदा हुआ, कहने का मतलब को बेचा हुआ कितने में? 5 + 1 यानी कि 6 में, यानी कि उस कीमत अगर पहले 5 थी उसने बेचा 6 में, यानी तो उसको 1 का फायदा हुआ, ठीक है। अब कहता है कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 120 रुपये कम होता तो उसे 4% और प्रॉफिट होता, यानी कि 24% प्रॉफिट, यानी कि 24% प्रॉफिट, यानी कि अगर 100 मान लूँ मैं क्रॉस प्राइस को, तो 124 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, अगर अगर सीपी और एसपी दोनों 120 120 रुपए कम कर दिए जाएं तो। तो मेरे भाई आपको एक चीज पता होना चाहिए, जरा देखिए तो यहाँ सीपी एसपी का इन दोनों सीपी का डिफरेंस क्या है? 95। इसका डिफरेंस क्या है? 118। क्या सेम है डिफरेंस? जबकि डिफरेंस दो क्या कहा है? दोनों में सेम होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ रेशियो में काम कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट सेम नहीं करना है, लेकिन जो भी डिफरेंस है वो दोनों में बराबर होना चाहिए, ठीक है। जितना डिफरेंस सीपी में है उतना ही डिफरेंस सीपी एसपी में भी होना चाहिए। तो ये करने के लिए लोग क्या करते हैं पता है? जो यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों के बीच, 24 का डिफरेंस दिख रहा है, 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, और जो इन दोनों के बीच डिफरेंस दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, यानी कि 1 से कर दिया। अब देखिए कितना अच्छा फायदा हो जाएगा मुझे। 24 × 5 = 120, 24 × 6 = 144। अब जरा देखिए तो, हाँ यहां भी 20 कम हो रहा है, यहां भी 20 ही कम हो रहा है, मतलब कि हाँ अब चेंज जो है वो बराबर है। असल में 20 किसके बराबर है? 120 के। ये तो हमने रेशियो में काम किया, या हमने रेशियो में हमने कुछ खेल किया, लेकिन असल वैल्यू क्या है? 20 के 120 का, यानी कि एक वैल्यू एक किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर, ठीक है। तो क्रय मूल्य अगर मैं पता करना चाहूँ, क्रय मूल्य किसके बराबर होगा? तो 120, यानी कि 120 तो 6 × 120 यानी कि 720 के बराबर होना चाहिए क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 800 रुपये में बेचने पे उसे कितना का फायदा होता है? तो मेरे भाई अगर 800 में बेच रहा है, मतलब कितना? 800 - 720 80 रुपये का फायदा, 80 रुपये का फायदा, प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी क्या है? 720 × 100, ये 9 बार में आपको आ गया 11 होल नंबर, 1/9% प्रॉफिट। यानी कि अगर वो 800 रुपये में उसी सामान को बेचेगा तो उसे 11 होल नंबर, 1/9% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, प्लीज 2 बार देखिए इसको, अगर समझ में नहीं आया तो आसान क्वेश्चन है। और अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा आज का, वो है टाइम एंड वर्क का। आगे है डीआई का क्वेश्चन है, आसान आसान, वो प्लीज कर लीजिए आप, प्लीज वो कर लीजिए, वो बताने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन होता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लाइए सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहता है कि ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी करता है उसी काम को सेम काम को 30 दिन में, ठीक है। अब कहता है
कि दोनों ने साथ काम किया 7 दिन तक, फिर चले गए, जो काम बच गया उसको सी ने किया 10 दिन में, तो सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। खैर छोड़िए, अगर मैं टोटल वर्क को 60 मान लूं, टोटल वर्क को 60 यूनिट मान लेता हूं मैं, तो ए 20 दिन में करता है 60 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, यानी कि उसका एफिशिएंसी क्या होगा, 60 × 20 यानी कि 3। एक दिन में किया जाने वाला काम ही किसी आदमी का एफिशिएंसी कहलाता है, क्षमता, ठीक है। तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ठीक। उसी तरह बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। दोनों मिल जाए तो 3 + 2 5 यूनिट काम करेंगे। अब 7 दिन तक ये दोनों 7 काम किए, यानी कि 5 × 7 यानी कि 35 यूनिट काम इन्होंने साथ मिल के किया, तो बच कितना गया, 60 - 35 यानी कि 25 यूनिट बच गया। इस 25 यूनिट काम को सी ने 10 दिन में कर दिया, सी ने 10 दिन में कर दिया, तो एक यूनिट काम कितने दिन में करेगा भाई, तो 10/25 दिन में। और पूरा काम यानी कि पूरे का पूरा 60 यूनिट काम जो कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वो कितने दिन में करेगा भाई, तो 10/25 × 60 यानी कि 24 दिन, 24 डेज ही मेरा हो गया करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी है मेरा करेक्ट आंसर। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन कवर हो गया है। DI क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हैं खुद से, अगर आपको मुश्किल हो तो मुझसे कहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। आपको करना क्या है, तो अपने KD कैंपस के ग्रुप्स और फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करना है, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें। और अलग अलग तरह की फरमाइशें हैं आप लोगों की, वो सब मैं पूरा करूंगा, लेकिन आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो इसको अच्छे से थोड़ा शेयर कर दीजिए, और हम लोग जब 500 पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो भी आपकी डिमांड अभी आ रही है, उस सबको मैं कंसिडर करूंगा और उस सब पे काम करूंगा मैं, चाहे वो इंग्लिश का सोल्यूशन हो, रीजनिंग का सोल्यूशन हो, फुल PDF हो, या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, कंसेप्चुअल वीडियोज हो, हर एक कंसेप्ट के लिए अलग अलग वीडियोज। और एक बात दोस्तों, परसों यानी कि ट्यूजडे को, ट्यूजडे 12 या 13 फरवरी जो भी है, तो ट्यूजडे को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा इंस्टॉलमेंट्स पे। SICI का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्टॉलमेंट, सिर्फ एक कंसेप्ट में वीडियो अपलोड करूंगा, वो आप लोग देखिएगा जरूर। आप मुझे बताइए कि वो वीडियो आपको कैसा लगा और आपके एग्जाम पर्पस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बस दोस्तों, और तो कुछ है नहीं, लाइफ सुखी सुखी चल रही है, उम्मीद करता हूं आपके लाइफ में मस्ती होगी। तो चलिए, शेयर कीजिए मुझे मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ताकि मैं भी आपके साथ, मैं भी उसको एंजॉय करूं और मेरी जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।